हेलो दोस्तों, मैं सुजीत कुमार एडवांस एक्सेल ट्रेडिंग सेंटर से आपका स्वागत करता हूं हमारे इस ऑनलाइन वीडियो ट्यूटोरियल में, जहां आप सीखते हैं कंप्लीट एडवांस एक्सेल। इस वीडियो में हम बात करेंगे इफ एंड और फंक्शंस के बारे में, लेकिन आपको अगर कंप्लीट सिक्वेंसली सारी वीडियो चाहिए तो मेरा मोबाइल ऐप डाउनलोड कीजिए। इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मोबाइल ऐप का लिंक डाला हुआ है, तो प्लीज़ डाउनलोड करेंगे तो मेरे सारे सिक्वेंसली वीडियोज मिल जाएंगे। एक ऑनलाइन लाइव क्लास की वीडियोज है और हम अभी 3 लोगों के साथ कर रहे हैं लाइव क्लासेस, तो आप भी इसको ऑब्जॉर्व कीजिए। अगर आपको ज्वाइन करना है तो मुझे कॉल करें, अगर वीडियो चाहिए तो मेरे मोबाइल ऐप को डाउनलोड कीजिए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो इफ एंड और फंक्शंस, इफ फंक्शंस की बेसिक कंसेप्ट को हम प्रीवियस क्लासेस में जान चुके हैं, आज हम बात करेंगे इससे आगे की क्वेश्चंस के बारे में। तो विजय जी, मैंने आपको रिकॉर्डिंग अलाउ कर दी है, आप रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो जैसे कुछ नंबर्स हैं मेरे पास, एक मिनट, कुछ नंबर्स मैंने यहाँ पे लिखे हैं और मुझे जस्ट इस नंबर को चेक करना है कि क्या ये ग्रेटर देन 50 है या नहीं है। तो ये जो चेक करने के लिए लास्ट क्लास में बताया था कि हम मेथड लॉजिकल ऑपरेटर्स का इस्तेमाल करेंगे तो बता देगा ट्रू फॉल्स, लेकिन मेरे पास दो कंडीशन हुआ तो कि भाई जो नंबर है वो 80 और 90 के बीच में होना चाहिए, मतलब कि ग्रेटर देन 80 और लेस देन 90। अब दो कंडीशंस हो गए, तो ऐसे दो कंडीशंस के लिए हम यूज करेंगे एंड का फॉर्मूला। अब एंड और दोनों मल्टीपल कंडीशन के लिए यूज की जाती है, बस कंडीशंस अपोजिट है दोनों। जैसे कि एंड जो है रिक्वायर पे वर्क करता है और जो है ऑप्शनल पे वर्क करता है। जैसे कि मैंने यहाँ पे दे दिया कि एंड, इसको सिलेक्ट किया कि ग्रेटर देन इक्वल टू 80 और लेस देन इक्वल टू 90। तो दोनों कंडीशन अगर फुलफिल होंगे यहाँ पे, कि अगर डी जो है ग्रेटर देन 80 हो, डी वन ग्रेटर देन 80 और डी वन लेस देन 90 हुआ तो ट्रू देगा, अदरवाइज फॉल्स देगा, क्योंकि तो आपके सामने ट्रू एंड फॉल्स में रिजल्ट आता है। अब इस ट्रू एंड फॉल्स, अब ट्रू एंड फॉल्स को आपने रिजल्ट में इफ के माध्यम से कन्वर्ट किया जा सकता है, लेकिन अब बात करते हैं और के बारे में, फिर और का क्या रोल है। तो मान लीजिए कि मैं यहाँ पे सैटरडे संडे मंडे इस तरह से लिखता हूँ, मुझे यहाँ पे चेक करना है कि कौन सा डेट सैटरडे या संडे है। अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि सैटरडे हो सकता है या संडे हो सकता है, दोनों नहीं हो सकता, सिर्फ सैटरडे या संडे। तो यहाँ पे हमने इफ कंडीशन लगाया, इमाम खलीफ नहीं और लगाएंगे, और कंडीशन लगाया और इसको सेलेक्ट किया और बोला कि अगर ए इक्वल टू सैटरडे, अदरवाइज ए इक्वल टू संडे। अब नीचे ड्रैग कर ट्रू फॉल्स ए भी देता है। अब एंड और के बीच में जो कंपेयरिंग है, इस कंपेयरिंग को समझिए। एंड जो है ए भी मल्टीपल कंडीशन लेता है और भी मल्टीपल कंडीशन लेता है, सिमिलर है। एंड भी ट्रू रिजल्ट, ट्रू फॉल्स रिजल्ट देता है और भी ट्रू फॉल्स रिजल्ट देता है। अब डिफरेंस क्या है दोनों में, एंड जो है मल्टीपल कंडीशन लेता है, जैसे कि हमने यहाँ पे दिया कि ग्रेटर देन 80 और लेस देन 90। अब मेरा जो यहाँ पे डिमांड ये है कि दोनों के दोनों ट्रू होने चाहिए, मतलब कि नंबर 80 से बड़ा और 90 से छोटा होना ही चाहिए, मतलब कि जो दो हमने, दो या दो से ज़्यादा जो यहाँ पे लॉजिकल कंडीशन दिए हैं वो सारे के सारे ट्रू होने चाहिए। तो एंड को सारे के सारे का ट्रू मिला तो ट्रू देगा, अगर एक भी फॉल्स मिला, अगर मैं इसको एवलेट करके दिखाऊं फॉर्मूला में तो समझ में आएगा आपको कि देखिए ये पहला कंडीशन मैच किया, यहाँ पे इसको ट्रू मिला, फिर दूसरे कंडीशन मैच किया, इसको ट्रू मिला, तो दो ट्रू मिले, कोई फॉल्स नहीं है तो रिटर्न किया ट्रू। लेकिन अगर नीचे वाले पे देखें तो ये आपका फॉल्स था और ये आपका फॉल्स था, ट्रू था सॉरी, तो एक फॉल्स एक ट्रू मिला, तो इसलिए फॉल्स, एंड ने फॉल्स पाया तो रिटर्न फॉल्स ही करेगा। लेकिन अगर हम और की बात करें तो और क्या होता है कि इसके अंदर दी गई कंडीशन में से कोई एक कंडीशन भी अगर फुलफिल होती है, रिजल्ट ट्रू आता है तो ट्रू देगा, ट्रू। और यहां पे देखिए एक फॉल्स है और एक ट्रू है, फिर भी रिजल्ट आपका ट्रू आया।
तो विजय जी, रामजी पांडे जी एंड सौभिक जी, एंड और के बीच में जो डिफरेंस था वो समझ गए? किसी हाँ सर, को डाउट? नो डाउट सर। चलिए अब कुछ एग्जाम्पल देखते हैं इसके। अब यहां पे मान लीजिए कि कुछ नेम है हमारे पास, नेम में मान लीजिए कि यहाँ पे सब्जेक्ट वाइज है, बोलिए सुजीत बात कर रहा हूँ। गूगल पे यूज करते हैं? अच्छा, पेफोन यूज करते हैं, गूगल पे यूज नहीं करते हैं। अच्छा ठीक है, मैं आपको पेफोन का नंबर भेजता हूँ व्हाट्सएप पे, ठीक है, फोन पे का, ठीक है। अब यहां पे मेरे पास कुछ रिजल्ट्स हैं, तो मान लीजिए ना कि हमने अलग अलग सब्जेक्ट का रिजल्ट शीट तैयार किया हुआ है और मुझे रिजल्ट को चेक करके पास और फेल करना है, पास और फेल करना है, तीन ही सब्जेक्ट रखता हूँ वहाँ पे रिजल्ट देना है। तीन से ज़्यादा भी कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, मैं यहाँ पे सब्जेक्ट 4 भी कर देता हूँ। और यहाँ पे हम एंड का लगाते हैं कंडीशन, क्योंकि मुझे हर सब्जेक्ट में पासिंग मार्क जो कि 30 है वो 30 से ऊपर ही कट चाहिए, हर सब्जेक्ट में वो 30 से ऊपर है तो रिजल्ट आएगा ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। तो इसको सेलेक्ट किए और हमने दिया कंडीशन कि ग्रेटर देन इक्वल टू 30 पहली कंडीशन, कॉमा दिया, हमने दूसरे को सेलेक्ट किया और बोला ग्रेटर देन इक्वल टू, फिर हमने यहाँ पे तीसरा कंडीशन लिया और बोला ग्रेटर देन इक्वल टू 30, फिर हम यहाँ पे चौथा कंडीशन लिए और बोले ग्रेटर देन इक्वल टू 30। सारे कंडीशन फुलफिल होंगे तो रिजल्ट आएगा ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। लेकिन हमें यहाँ पे ट्रू फॉल्स नहीं आया तो मुझे पास और फेल चाहिए ना, तो यहाँ पे हम करेंगे कंडीशन इफ में हम इसको सेलेक्ट किए और यहाँ पे कर देंगे हम पास और फेल, और नीचे की तरफ ड्रैग कीजिए तो आपके सामने रिजल्ट दिख जाएगा। तो विजीत जी, समझ में आया आपको? यस सर। कोई डाउट तो नहीं है?
अब इसी में अगर हम और के एग्जाम्पल को देखते हैं, तो मान लीजिए वी हैव ऑल्सो नेम लिस्ट, और ये मान लीजिए कि ये डॉक्यूमेंटेशन है आईडी। तो यहाँ पे है कि मुझे यहाँ पे पैन नंबर भी चाहिए, मुझे यहाँ पे आधार भी चलेगा, या मान लीजिए वोटर आई कार्ड भी चलेगा, पासपोर्ट भी चलेगा, और डीएल भी चलेगा, डीएल भी चलेगा। अब यहाँ पे मुझे स्टेटस देना है। अब किसी ने अपना अगर आईडी प्रूफ सबमिट किया है तो स्टेटस में ओके आना चाहिए। तो आईडी प्रूफ में अब कोई पैन भी दे सकता है, कोई वोटर आई कार्ड भी दे सकता है, यूआईडी दे सकता है, कोई वोटर आई कार्ड और डीएल भी दे सकता है, दो जमा कर सकता है। अब जरूरी नहीं है कि कोई एक, मतलब कि एक ही, एक से ज़्यादा भी दे सकता है। तो यहाँ पे एंड तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे मुझे एक कंडीशन मिल जाए तो मैं आगे बढ़ जाऊँ। लेकिन यहाँ पे क्या है, और हम लगे और लगाएंगे, क्योंकि और के अंदर होता है कि कोई एक या एक से ज़्यादा मिलने पर स्टेटस को ओके कर देता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे और, इसको सिलेक्ट किए, दैट इज इक्वल टू वाई, फिर हमने इसको सिलेक्ट किया, दैट इज इक्वल टू वाई। अब यहाँ इफ के अंदर और एंड के अंदर केस सेंसिटिव नहीं होता है, बड़ा छोटा का फर्क नहीं रखता है। इसको सिलेक्ट किया, दैट इज इक्वल टू वाई, एंड हम इसको सिलेक्ट करके बोलते हैं दैट इज इक्वल टू वाई, और फिर नीचे की तरफ ड्रैग कर। अब देखिए रिजल्ट फॉल्स आया, ट्रू आया। अब इसे कैसे वर्क कर रहा है देखिए, एक बार इसको एवेलेट करूंगा फॉर्मूला, समझ में आएगा कि कैसे वर्क कर रहा है। देखिए फॉल्स था, फॉल्स, ट्रू, ट्रू, तो इसको दो ट्रू और एक फॉल्स, दो फॉल्स मिले, दो ट्रू मिला तो एक ट्रू पे भी ये आपको ट्रू रिजल्ट दे देगा। और ट्रू एंड फॉल्स को हम कन्वर्ट कर सकते हैं इफ फॉर्मूला लगा के स्टेटस में, ओके और पेंडिंग। सर बेसिकली और में क्या है कि अगर एक भी ट्रू है तो ये ट्रू देगा, अदरवाइज फॉल्स देगा। जी जी। अच्छा सर एक क्वेरी था यहाँ पे मेरा, जैसे मान लीजिए कि अभी पांच ही ऑप्शन है, मान लीजिए कि 15-20 ऑप्शन है, देखिए एक एक पे सबको फंक्शन लगाना पड़ेगा, हर एक सेल पे फंक्शन लगाना पड़ेगा। और इसके लिए और तरीके भी है। और इसमें दूसरा सर ये कि मान लीजिए इसमें से ना कोई भी दो आईडी चाहिए, हाँ। तो उस कंडीशन में सर कैसे करेंगे, कोई भी दो रहेगा, पांच में से कोई भी दो रहेगा। जैसे पहले ये मान लीजिए कि अगर आपको मान लीजिए कि बहुत सारा लिस्ट है तो क्या करेंगे, तो उसके लिए अगर मान लीजिए कि इसमें ब्लैंक है आपका, तो यहाँ पे हम काउंट लगा देंगे, काउंट ए, तो काउंट पे बता देगा कि भाई आईडी है नहीं। अब यहाँ पे फॉर्मूला लगा देंगे कि इफ काउंट की रिजल्ट ग्रेटर देन वन, ग्रेटर देन इक्वल टू वन, तो ओके दबाज पेंडिंग। अगर आपको नहीं इसमें यस नो भी लिखा हुआ है तो काउंट तो यहाँ दो दे देगा, तो गलत हो जाएगी। तो उस केस में यहाँ पे हम काउंट इफ का फॉर्मूला लगा लेंगे कि काउंट इफ सिलेक्टेड रिजल्ट में वाई आना चाहिए। अब ये वाई को काउंट में बताएगा कितना बार है, तो यहाँ पे हम फॉर्मूला लगा सकते हैं। लेकिन जब आपके पास हर किसी की अलग अलग कंडीशन हो तब प्रॉब्लम होगी। अगर एक ही सीरीज हो पूरी कंडीशन की तो कोई दिक्कत नहीं है। सर मतलब पूरी कंडीशन अगर एक ही तरह की हो कि मतलब कोई भी मेरे को दो आईडी चाहिए, आपका माने कि अलग अलग है, इसी एंड का ही ले लीजिए ना, कि मान लीजिए हर सब्जेक्ट का अलग है, भाई सब्जेक्ट वन का भाई पासिंग मार्क 30 है, सब्जेक्ट टू का पासिंग मार्क 70 है, तो वहाँ वहाँ दिक्कत हो जाएगी। उसको भी ऑटोमेट कर सकते, लेकिन उसके लिए कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, और हम उसके बारे में आगे क्लासेस में बात करेंगे। ठीक है सर। अब यहाँ पे दूसरी क्वेश्चन पे आते हैं कि अगर मुझे मान लीजिए कि दो चाहिए,
कि भाई यहाँ पे पूजा को भाई पैन नंबर इज कंपल्सरी, पैन तो देना ही देना, जैसे बैंक अकाउंट खुलाते समय होता है कि भाई पैन तो चाहिए ही चाहिए, पैन के अलावा इसमें से कोई एक दे दो, ठीक है। जी सर। अगर मान लीजिए आपको दो फिक्स है तो आप ये अकाउंट वाला ऑप्शन ले सकते हैं, अकाउंट भी एक वाला ऑप्शन ले सकते हैं, ये दो कोई भी, तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जी सर। बट यहाँ पे क्या है कि इसमें पैन तो होना ही चाहिए, एक कंपलसरी है। हाँ, तो यहाँ पे हम एंड और को मिक्स करेंगे, तो यहाँ पे सबसे पहले रहेगा फॉर्मूला एंड, और एंड में जो कंपलसरी है उसको डाल देंगे। तो एंड को दो रिजल्ट चाहिए, मैं दो रिजल्ट चाहिए, समझे, दो ट्रू चाहिए। जी सर। लेकिन दो और उसको दो ट्रू ही चाहिए, फॉल्स बीच में रहे तो दिक्कत हो जाएगा, तो हम और में डाल देंगे। और क्या करेगा कि इसमें से तीनों को, तीनों फॉल्स में से ट्रू को छांट को छांट के दे देगा किसको, और एंड को। तो यहाँ पे दैट इज वाई, फिर इसको सेलेक्ट किया दैट इज इक्वल टू वाई, फिर इसको सेलेक्ट किया दैट इज इक्वल टू वाई, और फिर इसको सेलेक्ट किया दैट इज इक्वल टू वाई। सर ये एक ही साथ अगर सेलेक्ट करके और वाई डाले तो नहीं लेगा क्या? वन बाय वन देना होगा, ऐसा कोई इशू नहीं है, ये रेंज नहीं लेता है इसके, समझे ना। जैसे अब यहाँ देंगे ना एंड लगाएंगे तो एंड में बोलता है लॉजिकल, लॉजिक वन लॉजिक टू, रेंज नहीं है। अगर आप काउंट का फॉर्मूला दें तो काउंट के फॉर्मूले में क्या बोलता है, वैल्यू वन वैल्यू टू थ्री और डॉट डॉट दिया हुआ दिख रहा है ना आपको सर? यस सर। तो जिस जिसके सिंटैक्स में इस तरह का वैल्यू हो उसमें आप रेंज सेलेक्ट कर सकते हैं। ओके समझ गए, ठीक है सर। लेकिन इसमें कुछ ऐसा डॉट डॉट दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है, इट मींस आप रेंज सेलेक्ट नहीं कर सकते। अब इस फॉर्मूले को एवलेट करके बताता हूँ कि वर्क कैसे कर रहा है। तो सबसे पहले इसने चेक किया अपना पहला कि भाई वाई है या नहीं है, तो इसको ट्रू मिल गया कि वाई है, देन फिर इसे चेक किया फॉल्स फॉल्स, तो और को जो है एक ट्रू मिला, तो और का काम क्या है कि उसको एक भी ट्रू मिलेगा तो ट्रू देगा, तो उसने एंड को क्या दिया, ट्रू दिया। एंड बोलता है कि मुझे कोई भी फॉल्स नहीं चाहिए, सारे ट्रू चाहिए, तो एंड को सारे ट्रू मिले और दो ट्रू मिले, दो मिले, तो इसने रिजल्ट ट्रू दे दिया। अब इसको इफ कंडीशन के माध्यम से ट्रू को अपने हिसाब से कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है? ठीक है सर। क्लियर है? क्लियर है सर। अब इसमें एक और आता है एक्स और फॉर्मूला। अच्छा मान लीजिए कि इसे हम नेम ही दे देता हूँ नेम, और यहाँ पे पूजा, इसको ध्यान से देखिएगा समझिएगा। अब इसको जो है दिल्ली जाना है या मुंबई जाना है, मतलब ऑफिस का कोई वेकेशन है तो उनको बोला गया है कि आप इन दोनों में से कोई एक चूज कीजिए और यहाँ पे स्टेटस शो करना है। अब रूल ये है कि आपको चूज करना ही पड़ेगा, आप इग्नोर नहीं कर सकते, ठीक है। दूसरा कि कोई एक ही कर सकते, दोनों नहीं कर सकते। अगर आपने दिल्ली किया तो यहाँ पे ट्रू आना चाहिए, मैं ओके पेंडिंग जो भी है आना चाहिए। अगर आपने दोनों पे वाई कर दिया तब ये गलत होना चाहिए कि नहीं रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग, तो यहाँ पे पेंडिंग या रॉन्ग या राइट जो भी देना है दे सकते। अगर दोनों ब्लैंक छोड़ दिया या दोनों पे वाई के अलावा कुछ और लिख दिया फिर भी आना चाहिए, पूरा होना चाहिए। तो यहाँ होता है एक्स और फॉर्मूला। एक्स और फॉर्मूला में ट्रू एंड फॉल्स होता है, आप जो डिस्क्रीट मैथमेटिक पढ़े होंगे ना उनको पता होगा, ठीक है ना। ट्रू और बोलता है फॉल्स ट्रू, फॉल्स ट्रू फॉल्स, एंड बोलता है ट्रू 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 ट्रू, एंड एक्स और बोलता है ट्रू फॉल्स, ठीक है ना, एक ट्रू एक फॉल्स। तो रिकॉर्ड आपके साथ, सॉरी लॉजिक नहीं लगाया मैंने, एक्स और, एक्स और हमने इसको सेलेक्ट किया दैट इज इक्वल टू वाई कॉमा, हम इसको सेलेक्ट किया दैट इज इक्वल टू वाई, फॉल्स आया।
अगर मैंने मुंबई को सिलेक्ट किया तो ट्रू आएगा, और अगर दिल्ली को सिलेक्ट कर लिया तो आपस में फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि मुझे कोई एक ही चूज करना है। मैं दिल्ली चूज कर लिया और मुंबई को नो कर दिया तो ट्रू आ गया, दोनों ब्लैंक कर दिया तो फॉल्स आ गया। तो विजय जी एक्स और समझ में आया आप लोगों को? हाँ जी हाँ। फिर डाउट इसमें अभी तो डाउट नहीं है, ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स है सर, इसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। हाँ प्रैक्टिस तो सर आप ही को करना पड़ेगा, प्रैक्टिस कीजिए और मुझे x और फॉर्मूला जो मैंने बताया आपको ना सर, इसका एक ऑफिशियली यूज बताइए कि आखिर कहाँ पे बेनिफिट देगा। एक एग्जांपल, एक ऐसा एग्जांपल जिससे पता चले कि हाँ अगर इसको इस तरह से यूज किया जाए तो काफी बेनिफिट हो सकता है, ये बनाइए और भेजिए।